मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। सो टुडे इज़ आर सेवेंथ डे ऑफ इंग्लिश क्लास। आज हमारे इंग्लिश की क्लास का सेवेंथ डे है और आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इज एम आर। इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इज एम आर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इज एम आर यूज किस में होता है। हमारे थ्री टाइप के टेंसेज होते हैं। कितने टाइप के टेंसेज होते हैं? थ्री टाइप के। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। थ्री टाइप्स के हमारे टेंसेज होते हैं। तो इज एम आर का यूज होता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब जो अभी काम चल रहा हो, ठीक है। प्रेजेंट में जैसे आई एम टीचिंग, जो मैं काम अब कर रही हूँ, आई के साथ एम का यूज हुआ ना, इज एम आर एम का यूज हुआ। दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, ये भी इस पे क्या हुआ, दे के साथ किसका यूज हुआ, आर का यूज हुआ, ठीक है। ऐसे ही अब यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या यूज होता है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। ये है ही शी इट। ही शी इट, ही सिंगल होता है, ही एक के बारे में बात करते हैं तब बोलते हैं ना, वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, ठीक है। सिंगल, शी भी सिंगल होता है, वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। इट, यह एक टेबल है, इट इज अ टेबल, ठीक है। एक चीज के बारे में बात हो रही हो तो ये क्या है, सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल। प्लूरल में क्या क्या आता है, आई वी यू दे। आई वी यू दे किस में आता है, प्लूरल में आता है। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। आई को भी हम एक से ज्यादा में काउंट करते हैं, ठीक है। वी, वी का मतलब क्या हुआ, हम। हम मतलब बहुत सारे होते हैं ना, हम बहुत सारे जनों की बात कर रहे हो तब हम का यूज होता है। यू, यू भी तुम में काउंट कर रहे हैं, तुम कहाँ जाते हो, ठीक है। दे, दे का मतलब है वे। वे मतलब बहुत सारे, ठीक है। वह क्या होता है, सिंगल। वे होता है बहुत सारे, ठीक है। अब इसके बाद ही शी इट, ही शी इट के साथ आपको जहां भी ही प्रेजेंट में ही शी इट दिख जाए उसके साथ आप क्या लगाओगे, इज, ठीक है। ही शी इट सिंगुलर होता है और इज का मतलब होता है, है, है। वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। वह एक लड़का है, ही यूज हो ना, इज अ बॉय। अब उसके बाद आई, आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, ठीक है। उसके साथ क्या यूज होएगा, एम, क्या यूज होएगा, एम। वैसे तो एम का यूज प्रेजेंट में ही होता है, आपको वॉज वर्ब की जरूरत पड़ती है किसमें, पास्ट में। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है वी यू दे। वी यू दे के साथ हमेशा क्या लगता है, आर, क्या लगता है, आर। एम का मतलब होता है हम, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक लड़का हूँ के साथ आप क्या यूज करोगे, आई के साथ एम यूज करते हो ना, आप माई सेल्फ लिखते हो जिसमें आई एम अ बॉय लिखते हो ना, आई एम अ गर्ल आप लिखते हो, आई के साथ एम का यूज होता है। फिर उसके बाद वी यू दे के साथ क्या यूज होता है, आर। आर का मतलब होता है, हैं, हैं। यहाँ डोट आगे मतलब ये बहुवचन हो गया, है सिंगुलर हो गया और हैं बहुत सारे हो गया, ठीक है। वी यू दे प्लूरल है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर, और इसका मतलब होता है, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज आपको अपनी फाइल में दी हुई है, आपको क्या करना है, अपनी फेयर नोटबुक में वो पूरी एक्सरसाइज पूरा इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका जैसे आपके फाइल में पूरा उसका डायग्राम सा बनाया हुआ है वैसा आपको पूरी तरह से शो करना है उसको, वैसा ही बना के अपनी फाइल में, सॉरी अपनी FNB में, और नीचे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपनी FNB में और उसको उसमें फिल करना है कि किस सेंटेंस में क्या यूज होएगा। ओके, थैंक यू।